जिंदगी में जीवन छोड़ करके जीने का हर चीज महंगा हो गया है। मतलब जीवन सस्ता, जीने की हर चीज महंगी। ये जो है आप हरिशंकर प्रसाई जी का वो व्यंग पढ़ेंगे ना, भेर और भेड़िया, कि जो है जो आज के डेट में मन की बात करते हैं उनको इस देश के जन की कोई चिंता नहीं है और उनको अपने तंत्र पे इतना भरोसा है कि वो हर झूठ को जो है सही साबित कर लेंगे, ऐसा उनको लगता है। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार हमारे साथ मौजूद है। सर, आप जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उधर जो है संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अपने ऊपर जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उससे बचाव के लिए निकाल रही है। संबित पात्रा, संबित पात्रा जी ने बोला है। आप लोग संबित पात्रा जी सीरियसली क्यों लेते हैं? संबित पात्रा की कुल काबिलियत क्या है? दिन भर मोदी मोदी करना, टीवी में जाके झूठ बोलना, और उससे जो है प्रधानमंत्री खुश हो जाते हैं। प्रधानमंत्री को चापलूस पसंद है, फिर उसको जो है कहीं का डायरेक्टर बना देते हैं। ऐसे आदमी को इतना सीरियसली मत लिया। हम कह रहे हैं कि देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है, बेकारी है, अमीर गरीब के बीच इनकम की जो खाई है, उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है, उससे हमारा देश कमजोर हो रहा है, उसको हम जोड़ना चाहते हैं। तो उसमें जो है ईडी कहाँ से आ गया? ईडी के खिलाफ या ईडी से संबंधित अगर कोई बात है तो वो एक अलग मसला है। भारत जोड़ो यात्रा के जो है तीन बिंदु, ये समझ लीजिए आप। पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है राजनीतिक। आर्थिक बिंदु ये है कि आज जिस तरह से हर चीज महंगी हुई है, जिंदगी में जीवन छोड़ करके जीने का हर चीज महंगा हो गया है। मतलब जीवन सस्ता, जीने की हर चीज महंगी। और आप ये देख रहे हैं कि आम लोगों को हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, दूध पे, दही पे, घी पे, मक्खन पे है। और जो इनके मित्र हैं उनको जो है ये छूट दे रहे हैं, कॉर्पोरेट छूट दे रहे हैं, उनके लाखों और करोड़ों अरबों के जो है कर्जे माफ किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जब समाज को देखेंगे तो आपको दिन भर जो है कोई ना कोई ऐसी घटना सुनने को मिलेगी कि एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाया गया है, इस देश के ही नागरिकों के बीच में नफरत फैलाई गई है, कहीं दंगा, कहीं फसाद, कहीं मार पीट, इस तरह का जो वातावरण नफरत का बनाया गया है। किसी भी देश में अगर इस तरह का वातावरण बनेगा तो देश कमजोर होगा ना। आप मान लीजिए आपके परिवार में जो है चार सदस्य हैं, चारों सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, आपका परिवार कमजोर होगा ना। तो यह जो सामाजिक वैमनस्यता फैलाई जा रही है, जो नफरत फैलाया जा रहा है, जो जाति और धर्म को आधार बना करके समाज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो हम उस समाज को एकजुट रखना चाहते हैं। जैसे समाज एकजुट रहेगा, देश में रहने वाले लोग इकट्ठा रहेंगे, क्योंकि देश कैसे बनता है? देश बनता है ग्रंथों से, पुराणों से, मान्यताओं से, संस्कृतियों से, पशु पक्षी पेड़ पौधे नदियां पहाड़, इसके मिलने से देश बनता है, देश की संस्थाएं। तो इनको आपस में एकजुट रहने की जरूरत है। हम सामाजिक एकता को जो है बनाने के लिए, सामाजिक एकता को बढ़ाने के लिए यात्रा करते हैं। और तीसरा बिंदु है राजनीति। राजनीति में हम ये देख रहे हैं कि लगातार धन बल और बाहुबल ने आम लोगों की आस्था लोकतंत्र के प्रति कम हुई है। जब वो देखेंगे कि हमारे चुने हुए विधायक बिक जाते हैं, हमारे विधायक जो है वो रिजॉर्ट रिजॉर्ट कर रहे हैं, कोना कोना खेल रहे हैं, इस होटल से उस होटल जा रहे हैं, एक आम व्यक्ति की लोकतंत्र के प्रति जो है भरोसा कम होगा। और आम नागरिक ही लोकतंत्र के ऊपर भरोसा कम हो जाए फिर लोकतंत्र जो है मजबूत और इकट्ठा कैसे रहेगा? तो जो हमारे देश की बहुदलीय संस्कृति है, जो बहुदलीय व्यवस्था है, आज उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इतिहास को आप उठा करके देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी दल के नेता थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते थे। आप जब पहला मंत्रिमंडल देखेंगे नेहरू जी का, तो उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो हमारी राजनीतिक संस्कृति में जो बहुरंगी व्यवस्था है, जो बहुदलीय व्यवस्था है, विपक्ष को भी जो है बराबर का जो सम्मान दिया जाता है, उस तरह की राजनीतिक व्यवस्था रही है। आज आप देख लीजिए हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है, तो ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। तो ये तीन मुख्य बिंदु हैं भारत जोड़ो यात्रा के, और इस पे जो हम अपना काम कर रहे हैं।
आपसे भी हम यही आग्रह करेंगे जो इसके सकारात्मक पक्ष हैं उसको बताएं। कन्हैया जी, जिस तरीके से देश भर में जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आखिर इससे निजात कैसे मिलेगी? निजात मिलेगी जहाँ से रोजगार पैदा होगा उन सेक्टर को बचाने से। रोजगार कहाँ पैदा होता है? ज्यादा रोजगार ज्यादा पैदा होता है स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज में। रोजगार पैदा होता है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। रोजगार पैदा होता है जब आपके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी, योग्य जो है लोग बनेंगे, तैयार होंगे, तो उनको अलग अलग सेक्टर में जो रोजगार मिलेगा। आप देखिए कि शिक्षा की हालत क्या कर गई है, अभी तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ है। बड़े बड़े जो है परीक्षाओं को आप देखेंगे तो जो है परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी जाती हैं। परीक्षा जब होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, भर्तियों में घोटाला किया जाता है। हर राज्य की स्थिति आप देख लीजिए, आप उत्तराखंड का एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए। तो इन सेक्टरों को बचाने से होगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है, अपनी नीति और नियत से इस सेक्टर को खत्म कर रही है, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को खत्म कर रही है, और दो तीन जो इस देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनका तिजोरी भर रही है। तो इस नीति को बदलना पड़ेगा, और इस जो है नीति को बदलने से जो रोजगार पैदा करने वाली नीति है उसको इम्प्लीमेंट करके रोजगार पैदा होगा। महंगाई का जहां तक सवाल है, महंगाई भी इतना क्यों बढ़ रहा है? महंगाई इतना इसलिए बढ़ रहा है कि आप सरकार की नीतियों को देखेंगे, सरकार क्या कह रही है कि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो गई, ठीक है, फिर भी भारत में जो है तेल महंगा बिक रहा था, तो सरकार ने कहा कि हम टैक्स इसलिए ले रहे हैं कि उससे आपको वैक्सीन मिलेगा। जब हमारे टैक्स के पैसे से आप हमको वैक्सीन दे रहे हैं तो फ्री वैक्सीन बोल करके पूरे देश में पोस्टर क्यों लगवा रहे हैं? तो ये जो संस्कृति है, जो ये जो मौजूदा सरकार का काम करने का तरीका है, उसकी वजह से जो है महंगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। चलिए सर, आखिरी सवाल, महिला सुरक्षा जो है देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और प्रधानमंत्री जी मन से खुद कहते हैं हम महिला सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसी दिन जो है बिल्किस बानो के जो दोषी है उनको छोड़ दिया जाता है। यही तो सबसे दुखद बात है ना, कि जो है आप हरिशंकर प्रसाई जी का वो व्यंग पढ़ेंगे ना, भेड़ और भेड़िया, कि जो है जो आज के डेट में मन की बात करते हैं उनको इस देश के जन की कोई चिंता नहीं है, और उनको अपने तंत्र पे इतना भरोसा है कि वो हर झूठ को जो है सही साबित कर लेंगे, ऐसा उनको लगता है। और ये अपने आप में जो दोहरापन है, उस दोहरापन से ही इस देश की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है। इस दोहरेपन को हमको आपको समझना पड़ेगा, देश के आम लोगों को समझना पड़ेगा, और जो हमारी हकीकत है, हमारी जो सच्चाई है, उसको हमको महसूस करने की जरूरत है। आप सोचिए कि बिल्किस बानो के मामले में जो हुआ है वो किसी एक समुदाय या किसी एक पहचान का बात नहीं है। हर महिला को लगा होगा कि हम कैसी स्थिति में आ गए कि बलात्कारी को संस्कारी बताया जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, नफरत समाज में फैलता है, इस डर और नफरत से जो है हमको अपने समाज को बचाना होगा, और जोड़ना पड़ेगा लोगों को ताकि देश इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, और एक जो है एकजुट देश ही जो है वो तरक्की करता है, उन्नति करता है, प्रगति होती है। चलिए।